7 जून 1984 बुधवार का दिन सुबह के 6 बजे आर के धवन अपने गोल्फ लिंक वाले घर के हॉल में चहलकदमी कर रहे थे। पिछली रात ना तो उन्हें नींद आई थी ना ही सुबह वर्जिश का मन था, सिर्फ एक फोन कॉल का इंतजार था और वो भी जल्द ही पूरा हो गया। घंटी बजी, फोन उठा, दूसरी तरफ राज्य रक्षा मंत्री KP सिंहदेव थे। चंद सेकेंड्स की बातचीत हुई, धवन ने फोन का रिसीवर नीचे रखा और सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने पहुंच गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरा हो चुका था। इंदिरा ने जैसे ही ये खबर सुनी, खुशी के बजाय उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उनके मुंह से निकला ओ माय गॉड, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि कोई कैजुअल्टी नहीं होगी। पूरी खबर थी कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले मारे जा चुके थे, लेकिन मारे जाने वालों में आर्मी के कई जवान और आम लोग भी शामिल थे। साथ ही गोल्डन टेम्पल को भी बहुत नुकसान हुआ था। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 7 जून है और आज की तारीख का संबंध है ऑपरेशन ब्लू स्टार से। शुरुआत से पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार है Cuckoo FM ऐप, जो लाए हैं लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। Cuckoo FM ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50 कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेर उपन्यास और कई तरह के ऑडियो बुक्स। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप जाकर देख सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए हरी झंडी लेते हुए सेनाध्यक्षों ने इंदिरा गांधी को बार बार गारंटी दी थी कि मामूली जानमाल का नुकसान होगा। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ऐसा क्या हुआ कि आर्मी को टैंक और हेलीकॉप्टर लगाने पड़े, सैकड़ों लोगों की जान चली गई और गोल्डन टेंपल परिसर को भी भारी नुकसान हुआ। इस सवाल का जवाब जानने से पहले थोड़ा समझते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के हालात बने कैसे। साल 1978, बैसाखी का दिन। इस तारीख का सिख धर्म में खास महत्व है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी। उस रोज अमृतसर में उत्सव का माहौल था। बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब निरंकारी पंथ का समूह सरकार के पास एक जुलूस की परमिशन लेने पहुंच गया। पंजाब में तब अकाली दल की सरकार थी और उन्होंने परमिशन दे भी दी, ये जानते हुए कि परंपरागत सिख इससे नाराज होंगे। ऐसा हुआ भी। भिंडरांवाले ने तत्काल दरबार साहिब के पास एक सभा बुलाई। सभा में निरंकारियों के खिलाफ जोरदार भाषण दिया गया। इसके बाद इधर से एक जुलूस निरंकारियों की तरफ से बढ़ा। इन लोगों के पास कृपाण थे तो दूसरी तरफ निरंकारियों के पास बंदूकें। झड़प हुई और 13 लोग मारे गए। इस मामले में निरंकारी पंथ प्रमुख गुरबचन सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामले की नजाकत को देखते हुए ट्रायल हरियाणा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस घटना के बाद भिंडरांवाले और उनके समर्थकों ने अकाली सरकार की नाक में दम कर दिया। 50 साल के इतिहास में पहली बार अकालियों को कट्टर सिख धड़े से चुनौती मिल रही थी। पंजाब में भिंडरांवाले का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तब दिल्ली कांग्रेस की नजर भिंडरांवाले पर पड़ी। अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में कुलदीप नैयर इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देते हैं। कुलदीप लिखते हैं कि तब पंजाब की कमान संजय गांधी के हाथ में थी। पंजाब में परंपरागत सिख धड़ा अकाली दल का समर्थक था, इसलिए संजय ने सुझाव दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को अकाली दल के चैलेंजर के रूप में खड़ा किया जाए जो सिखों में खासी पकड़ रखता हो। इसके लिए 2 लोगों को चुना गया। अंत में संजय गांधी ने फैसला किया कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले को इस काम के लिए पुश किया जाए। कुलदीप नैयर के हिसाब से बात कमलनाथ ने खुद उन्हें बताई थी। बैसाखी घटनाक्रम के कुछ रोज बाद ही दल खालसा नाम के एक संगठन ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह भिंडरांवाले का ही एक पॉलिटिकल फ्रंट था। इस संगठन के माध्यम से भिंडरांवाले अपने पॉलिटिकल उद्देश्य को आगे रख सकते थे और साथ ही उनके पास ये कहने का मौका भी रहता कि वो सिर्फ संत हैं और उनका पॉलिटिकल मामलों से कुछ लेना देना नहीं। सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं कि दल खालसा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका कुल खर्च 600 रुपए आया था और इसका बिल भरने वाले और कोई नहीं तब कांग्रेस के नेता और आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बनने वाले ज्ञानी जैल सिंह ही थे। कारवा मैगजीन के एडिटर हरतोष लिखते हैं, जैकब ने उन्हें बाद में बताया कि सालों बाद जैल सिंह ने राष्ट्रपति बनने के बाद जैकब से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा। तब जैकब ने जवाब दिया, ज्ञानी जी मेरे पास बिल की कॉपी अभी भी रखी है। इसके बाद जैल सिंह ने जैकब से आगे कुछ नहीं कहा। बहरहाल वापस घटनाक्रम पर लौटते हैं। जनवरी 1980 तक इंदिरा की सत्ता में वापसी हो चुकी थी। चुनावों के दौरान भिंडरांवाले ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था और एक वक्त तो इंदिरा और भिंडरांवाले ने स्टेज भी शेयर किया था।
इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही बैसाखी झगड़े को लेकर फैसला आया और गुरबचन सिंह रिहा हो गए। इस खबर से भिंडरावाले इतने बौखलाए कि उन्होंने अकालियों के खिलाफ और जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया। ठीक दो महीने बाद अप्रैल महीने में गुरबचन सिंह की उनके दिल्ली वाले निवास पर हत्या कर दी गई। नैयर लिखते हैं कि CBI इन्वेस्टिगेशन में 7 लोगों का नाम सामने आया था जो सभी भिंडरावाले के जत्थे से जुड़े हुए थे। इस कत्ल में शामिल मर्डर वेपन का लाइसेंस भी भिंडरावाले के एक भाई के नाम से लिया गया था। इसके बाद साल 1981 में पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या हुई। जगत नारायण हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। इस हत्या में भी भिंडरावाले से जुड़े लोगों का नाम सामने आया। आगे का घटनाक्रम बिल्कुल तीर की सीध पर हुआ। भिंडरावाले की गिरफ्तारी हुई, हंगामा हुआ, भिंडरावाले छोड़ दिए गए। केंद्र की कांग्रेस सरकार और भिंडरावाले आमने सामने आ चुके थे। अकाली दल ने मौका देखकर भिंडरावाले से हाथ मिला लिया। साल 1982 से 84 के बीच पंजाब के हालात लगातार बिगड़ते गए। 1982 में भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया। वहां से आदेश जारी किया जाने लगा। अगले 2 सालों में सरकार ने कई बार भिंडरावाले को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ऑपरेशन सनडाउन भी ऐसी ही एक कोशिश थी जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। अब चलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बताते हैं कि ठीक ऑपरेशन शुरू होने से पहले बराड़ ने फौजियों से बोला कि जो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा ना बनना चाहता हो वो अभी मना कर सकता है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। 5 जून की सुबह 10:30 बजे काली डांगरी पहने 20 जवान गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल होते हैं। इन लोगों ने नाइट विजन गॉगल्स, स्टील हेलमेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए थे। ये सब MP5 सबमिशन गन और AK-47 से लैस थे। पिछले एपिसोड में हमने आपको मेजर जनरल शाहबेग सिंह के बारे में बताया था। शाहबेग 1971 में बांग्लादेश युद्ध के हीरो थे, लेकिन फिर जरनैल सिंह भिंडरावाले के मिलिट्री कमांडर बन गए। शाहबेग को आर्मी की कमजोरी का पता था। पूरे भारत में सिर्फ एक यूनिट थी जो क्लोज क्वार्टर में लड़ाई करने के लिए ट्रेंड थी, स्पेशल ग्रुप 56 कमांडो कंपनी। शाहबेग ने अप्रैल से तैयारी शुरू कर गोल्डन टेम्पल को पूरा फोर्ट्रेस बना दिया था। मेजर जनरल बराड़ 9th इन्फेंट्री डिवीजन को लीड कर रहे थे, जिसकी 3 बटालियन को रात में अंदर भेजा गया। लेकिन इन्हें राजस्थान के रेगिस्तानों और पंजाब के खुले मैदानों में लड़ने की ट्रेनिंग मिली थी। बंद जगह में लड़ाई का अनुभव पहली बार होना था। शाहबेग सिंह और भिंडरावाले अकाल तख्त में छिपे हुए थे। कमांडोज ने जैसे ही एक तरफ कदम बढ़ाया, एक स्नाइपर की गोली सीधे रेडियो ऑपरेटर के हेलमेट को पार करते हुए सर पर लगी। तुरंत बाकी लोग अकाल तख्त से पहले बने हुए खंभों के पीछे छिप गए। इन लोगों को हिलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। अकाल तख्त और दर्शन देवड़ी के बीच पूरे इलाके को शाहबेग ने मशीन गनों से घेर रखा था। मशीन गन और कार्बाइन दीवारों के पीछे से दंदना रही थी। लगातार चल रही बंदूकें इतना फ्लैश मार रही थी कि कमांडोज के नाइट विजन डिवाइस फेल हो रहे थे। कमांडोज ने अकाल तख्त की ओर बढ़ने की कई कोशिशें की, लेकिन वहां आगे बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं थी। कुछ ही देर में परिक्रमा का मार्बल अपना रंग बदल चुका था। यहाँ वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद आर्मी ने एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर उतारा, एक बख्तरबंद गाड़ी जिसे युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमांडोज ने APC में बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी ग्रेनेड लॉन्चर से फेल कर दिया गया। तब SG यूनिट का एक अफसर दौड़ते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल के पास पहुंचा। उसने बताया कि आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं है। अफसर ने आगे बताया कि भिंडरावाले को पकड़ने के लिए अकाल तख्त के पीछे की दीवार तोड़नी होगी। रणजीत सिंह ने सीधे इनकार कर दिया। इसके बाद प्लान बना कि आंसू गैस के जरिए अकाल तख्त को खाली करवाया जाए। आधी रात के बाद SG यूनिट और आर्मी एक पैरा के बचे हुए लोग अकाल तख्त के पास के फाउंटेन पर इकट्ठा हुए। कमांडोज ने अकाल तख्त के अंदर आंसू के गोले फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां खिड़कियों को ईंट से बंद कर दिया गया था। आड़ी जगह में सिर्फ इतनी जगह निकली हुई थी कि मशीन गन का मुंह बाहर निकल सके। कमांडोज ने अकाल तख्त की ओर ग्रेनेड फेंके। 2 मशीन गन नष्ट भी हो गई, लेकिन अंदर घुसना अभी भी असंभव सा लग रहा था। सुबह तक ऐसे ही हालात रहे। फिर 6 जून की सुबह 7:30 बजे 3 विजयंता टैंक अंदर लाए गए। कोई रास्ता ना देख टैंक से 105 मिलीमीटर के गोले दागकर अकाल तख्त की दीवार को गिरा दिया गया। कमांडोज ने तेजी से एंटर करते हुए ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले फेंके और चंद घंटों में ही अकाल तख्त को खाली करा लिया गया। तब तक टेम्पल परिसर किसी मध्यकालीन युद्ध स्थल की तरह लगने लगा था। लाल काली लाशें परिक्रमा के चारों तरफ फैली हुई थीं। अकाल तख्त से धुआं निकल रहा था।
आज ही की तारीख यानी 7 जून को आर्मी को शाहबेग और भिंडरांवाले की लाश मिली। कुलदीप सिंह बराड़ अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में बताते हैं कि आर्मी को वहां 51 मशीन गन मिली। आमतौर पर 800 जवानों की आर्मी यूनिट इतने असले का इस्तेमाल करती है, वो भी 8 किलोमीटर एरिया को घेरने के लिए। बराड़ लिखते हैं कि शाहबेग दोपहर होने के इंतजार में थे ताकि आम जनता तक जब आर्मी एक्शन की न्यूज पहुंचे तो विद्रोह खड़ा हो जाए, लेकिन उससे पहले ही सेना ने हरमिंदर साहिब को अपने कब्जे में ले लिया। अगले 3 दिनों में कुछ छिपे हुए उग्रवादियों को भी बाहर निकाल लिया गया और 10 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरी तरह से खत्म हो गया। आगे की कहानी आप जानते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत इंदिरा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दिल्ली में हजारों सिखों की जान ली गई। पंजाब में आतंक का दौर अगले 1 दशक तक चला और 1995 के बाद ही पंजाब में चरमपंथ की आग बुझ पाई। एपिसोड में हमने जिन किताबों का जिक्र किया है उनके थ्रू आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में और जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।